नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के और बहुत सारे स्टूडेंट के अक्सर मैसेज आते रहते हैं, जिसमें वो बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि सर इनको कैसे हल किया जाए। तो चलिए आज हम बहुत सारी समस्याओं को हल करेंगे और बड़ी आसानी से। तो लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखें, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बड़ी आसानी से उसको हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले एक दोस्त ने पूछा था कि सर मैंने तबला लेना है, तो मैं कितने इंच का तबला लूँ जो रियाज के लिए सबसे बेस्ट हो, और कौन सी पुड़ी लूँ, कैसी पुड़ी होनी चाहिए और डग्गा कैसा होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके हाथ के हिसाब से देखा जाता है कि आपके लिए कौन सा तबला बेस्ट है। 5 इंच का बढ़िया है, 5.5 का बढ़िया है, या फिर 6 इंच का बढ़िया है। कौन सा तबला आपके लिए बेस्ट है जिससे आपका रियाज अच्छे ढंग से हो सके। तो अब कैसे चेक करना है, कैसे पता चले कि हमने 6 इंच का या 5 इंच का या 5.5 इंच का तबला यूज करना है। तो सबसे पहले आपने अपने हाथ को तबले पर रखना है ऐसे। तो ये जो ट्रिक बताया था, बहुत ही अच्छे तबला मेकर हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि रियाज के लिए सबसे अच्छा तबला कौन सा है। तो पहले आपने अपने हाथ को तबले पर, जो मदीन है उसके ऊपर ऐसे रखना है। मान लीजिए तबला पूरा ढक जाता है आपकी उंगलियों से, यानी कि जो पुड़ी है वो पूरी ढक जाती है। तो ऐसे यहाँ से देखना है, आपने देख सकते हैं ढक जाता है, तो ये तबला आपके लिए बेस्ट है। अब शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, वैसे ये कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि किसी उस्ताद ने मुझे बताया, बट जो एक बहुत अच्छे तबला मेकर है, मेरे दोस्त है, उन्होंने बताया कि ऐसे अगर हाथ हमारा पूरे तबले पर आ जाता है तो वो तबला हमारे रियाज के लिए सबसे बेस्ट है, वो तब मदीन सबसे बेस्ट है। तो ये तो बता दिया मैंने मदीन के बारे में। और एक दोस्त ने पूछा था कि सर आप कितने इंच का तबला यूज़ करते हैं। तो ये मेरे 5.5 इंच की मदीन है, मैं 5 और 5.5 इंच की मदीन को यूज़ करता हूँ, और मुझे दोनों ही 5 और 5.5 इंच का जो मदीन है वो अच्छा लगता है और रियाज मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। अब आती है डग्गे की बात। जो डग्गा है वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है। मेटल 2-3 तरह का होता है जो डग्गे में यूज़ होता है, जैसे स्टील का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, या फिर तांबे का हो सकता है। तो ऐसे मेटल का जो हमारा डग्गा होता है, तो बस आपने डग्गे में एक ध्यान रखना है, डग्गे में आपने वेट के हिसाब से जो डग्गा लेना है, आपका जो डग्गे का वेट है वो 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने रियाज शुरू करना है तो ये इस वेट में आपका डग्गा बेस्ट है, क्योंकि उसकी गूंज भी बहुत अच्छी होती है और हमारा जो रियाज है बड़े अच्छे ढंग से हो जाता है। अब बात पुड़ी की करते हैं कि पुड़ी कौन सी यूज़ करें। तो देखिए, आजकल बाज़ार में बहुत सारी पुड़ी ऐसी आ गई हैं जो खुद की हैंडमेड होती हैं, जो तबला मेकर हैं उनकी खुद की हैंडमेड होती है और बहुत अच्छी साउंड उनकी होती है। पर बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं और बहुत सारे तबला वादक ऐसे हैं जो बनारस की पुड़ी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो पुड़ी होती है वो बहुत मुलायम होती है और उसको बजाने में ज़्यादा जोर नहीं लगता और उसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है। पर जो बनारस की पुड़ी है वो थोड़ी सी महंगी होती है। बट आपने रियाज के बारे में पूछा था कि मैंने रियाज शुरू करना तो कौन सी पुड़ी बेस्ट है और कौन सा तबला। तो तबले के बारे में मैंने आपको बता दिया, कितने इंच का लेना है, कौन सी पुड़ी लेनी है। और तो पुड़ी की बात यह है कि आप हैंडमेड पुड़ी को पहले यूज़ करें। वो क्यों? क्योंकि अगर हैंडमेड आप पुड़ी को यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका जोर भी लगेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसकी साउंड तो अच्छी होती है पर उसमें थोड़ा सा जोर लगेगा, जिससे क्या है कि आपके हाथों में वजन आ जाएगा और आप बनारस की पुड़ी को जब बजाएंगे रियाज करने के बाद हैंडमेड तबले पर, पुड़ी के तबले पर, तो आपका जो रियाज है वो निखर कर सामने आएगा। तो इसलिए बनारस की पुड़ी ज़्यादातर सोलो परफॉर्मेंस या फिर जो अच्छे अच्छे तबला वादक हैं
वो स्टेज पर ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप बनारस की पूड़ी लें, तो सिंपल हैंडमेड पूड़ी को यूज़ कर सकते हैं आप। तो जो दोस्त ने ये प्रश्न पूछा था तो उसका जो हल है आपको मिल गया होगा। अब दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो समस्या थी बहुत बड़ी। एक मेरे दोस्त ने कहा कि सर, जब डग्गे का मैं रियाज करता हूँ, यानी कि डग्गा बजाता हूँ, तो वैसे तो दोनों का रियाज इकट्ठे करते हैं, तो जब डग्गे को बजाता हूँ तो बीच में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, हाथ अटक जाता है। तो इससे जुड़ी हुई अगर आपकी समस्या है तो आप चैनल पर एक मेरी वीडियो देख सकते हैं कि डग्गे को आप कैसे, डग्गे की स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डग्गे में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है बजाने में, तो आप अपनी उस समस्या को कैसे हल कर सकते हो, तो उससे जुड़ी हुई वीडियो मेरे चैनल पर है। प्लेलिस्ट में जाकर आप 2-3 वीडियोस देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये भी मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, तो ये जो प्रश्न है ये हारमोनियम से जुड़ा हुआ है। पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने हारमोनियम से जुड़ी हुई समस्या के बारे में बात की थी कि हारमोनियम को ट्यून बड़ी आसानी से कैसे करें, अगर ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आई है तो कैसे ट्यून करें। तो वो आप भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप अपने हारमोनियम को ट्यून कर सकते हैं अगर वो उसकी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। तो दोस्त ने पूछा था कि सर, मैंने ऐसा हारमोनियम लेना है तो कितने का मिल जाएगा। तो देखिए, जो मैंने हारमोनियम ट्यून करके बताया था वो बासमेल हारमोनियम था, तो वो जो आपका हारमोनियम है वो कम से कम 6,000 से 7,000 से शुरू हो जाता है। किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है, कौन जो उसको बना रहे हैं, यानी कि जो बहुत फेमस है हारमोनियम बनाने वाले, तो कौन से हारमोनियम बनाने वाले ने उसे बनाया है, तो उसका रेट उसके हिसाब से बताया जाता है। तो आप कौन सा हारमोनियम लेना चाहते हैं, बासमेल हारमोनियम हमारे बेसिक हारमोनियम में आ जाता है, रियाज करने के लिए सबसे बेस्ट होता है और स्टेज के लिए भी सबसे बेस्ट होता है। तो वो जो आपका हारमोनियम है, सिंगल पंखे के साथ, बेलो के साथ, वो सिंगल बेलो के साथ, पंखा बोल देते हैं उसे, तो सिंगल बेलो के साथ आपका 5,000-6,000 का आ जाएगा। और अगर आप बड़ी बेलो, यानी कि बड़ा पंखा उसमें लगा है, तो वो थोड़ा सा महंगा होगा, तो वो 7-8 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आपकी समस्या अभी हल हो गई होगी। तो आगे चलते हैं। आगे मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि सर, आप ढोलक की क्लासेस जल्दी दें। तो देखिए, ढोलक की क्लासेस आपको जल्दी मिलेंगी, तो बहुत सारी ढोलक की क्लासेस में आप बड़ी आसानी से ढोलक सीख सकेंगे। तो उन्होंने कहा था मेरे दोस्त ने कि सर, जल्दी वीडियो डालें अपने चैनल पर कि शुरुआत फर्स्ट डे से लेकर आगे जितनी भी वीडियोस है वो आप डालें अपने चैनल पर कि हम बड़ी आसानी से सीख सकें। तो देखिए, जल्दी ही मैं अपने चैनल पर ढोलक की 1 बाय 1 आपको जितनी भी वीडियोस है वो डालूंगा। आप कैसे रियाज करें, कैसे बोल बजाएं, वो सारी आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी, आप रियाज करें। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैं आज ले रहा हूँ, तो उसमें मेरे एक दोस्त ने कहा था कि सर, जब हम तबला लेने जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, नया तबला लेने जाते हैं तो बहुत सारे तबले हमें ऐसे दिखा दिए जाते हैं दुकान पर, तो वो कहते हैं ये सबसे बेस्ट है और आप रियाज के लिए, आपके लिए बेस्ट है, क्या हम ऐसे तबले को खरीद लें। तो देखिए, अगर आपके साथ कोई तबला बजाने वाला है, थोड़ा एक्सपर्ट है, उसको पता है कि तबले को कैसे बजाना है और तबला रियाज के लिए कौन सा तबला अच्छा है, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर उसको ऐसी चीज़ें सारा कुछ पता है कि आपके रियाज के लिए कौन सा तबला अच्छा है, तो आप उसके साथ जाकर वो तबला खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको खुद लेने जाना है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको ये कोई समस्या आ रही है तो मेरे चैनल पर आप उससे जुड़ी हुई भी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको खरीदने में कोई समस्या नहीं आएगी, आप जल्दी ही बड़ी आसानी से पता कर सकेंगे कि कौन सा तबला अच्छा है और मैं कैसे उसको खरीदूं। और मेरे चैनल पर मैंने कुछ दिन पहले
एक वीडियो डाली थी कि तबला खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखे, कौन सा तबला अच्छा है, उसके बारे में भी आप देखकर जान सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके जो बहुत सारी समस्याएं हैं आपको उसका हल मिल गया होगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करें और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर कोई वो बड़ी समस्या है तो उसको हल करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।